हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ नई वीडियो के साथ में और फुल एनर्जी के साथ में। तो सुबह की बजी है करीबन 5:15 और बाहर बिल्कुल अंधेरा है। अभी मैंने आपको बताया है बिल्कुल अंधेरा है और 6 बजे तक इसी तरीके से अंधेरा रहता है और उसके बाद में ही सूरज देवता अपने हल्के हल्के से दर्शन देते हैं। और अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा बदल भी गया है, थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है और इस टाइम पर मतलब मौसम इस तरीके का है ना, तो उठने का मन नहीं होता है, ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं होता है। लेकिन वही है कि बच्चों का स्कूल होता है तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो उठने के बाद में फिर एकदम से काम पर लग जाएँ ऐसा बिल्कुल मतलब मन ही नहीं होता है, इतनी एनर्जी भी नहीं होती है। तो अपने आप को एनर्जी में देती हूँ 10 मिनट, या तो मैं वॉक करती हूँ या फिर एक्सरसाइज करती हूँ, जो भी जैसा भी मेरा उसमें माइंड सेट होता है। यदि आज मेरा वॉक करने का मन था तो मैंने घर के अंदर ही जो पैसेज है वहीं पर 10 मिनट वॉक किया, और कभी मन होता है तो मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, कभी योगा भी कर लेती हूँ। और बस उसके बाद में मैंने 1 ग्लास गर्म पानी पिया, बिल्कुल प्लेन पानी पिया है, नींबू वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, प्लेन पानी पीती हूँ। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ पैसेज में और हॉल में ही झाड़ू निकाला है क्योंकि बाकी जो रूम है वहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं, बच्चों को उठा दिया है। तो 5:15 बजे तक मुझे उठना ही पड़ता है और 5:30 बजे मैं बच्चों का आवाज़ देती हूँ। तो यही मतलब रूटीन जो है वो बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने के बाद में बन गई है और अब तो खैर आदत भी लग गई है, बच्चे भी उठ जाते हैं, मेरी भी नींद खुल जाती है। लेकिन हाँ, मौसम अभी थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा ठंडी का मौसम है ना, तो फिर काम करने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है, हाथ पैर जो है ना वो एकदम चलते नहीं है। तो उसके लिए फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, तो उसके बाद में फिर एक अच्छी सी एनर्जी सी आ जाती है। और फिर एनर्जी के साथ में जब काम करते हैं तो फिर कोई भी काम जो है वो आपको बड़ा नहीं लगता है ज़्यादा, मतलब यूँ नहीं लगता है कि हम रोज़ एक ही काम करें। अपने आप को पहले एनर्जी देना ज़रूरी है और उसके बाद में आप घर के काम में लगिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एंड टाइम पे उठे, क्योंकि मेरे बच्चों का जो है वो 6:30 बजे का स्कूल है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ, इवन 1 घंटे से भी पहले उठ जाती हूँ ताकि 10 से 15 मिनट मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ। क्योंकि उसके बाद में मुझे पता है कि उसके बाद में मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, घर का मैं सारा ही काम करती हूँ, खुद ही करती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए मैंने मैट रखी हुई है, बाकी घर के सारे ही काम मैं खुद से करती हूँ। और बस इसी तरीके से काम जो है वो होते चले जाते हैं, खुश रख के यदि काम करेंगे तो काम जो है वो करने आसान हो जाते हैं। तो चलिए, बहुत सारा भाषण दे दिया है, बहुत सारा ज्ञान आपको सुबह सुबह मैंने दे दिया है। और बच्चे जो है उन दोनों की मतलब गर्म पानी की मैंने बाल्टियाँ जो है वो भर दी है और बच्चे गए हैं नहाने के लिए, और इधर मैंने रखी है चाय, तीनों के लिए मैंने चाय रख दी है। अच्छा, आज से बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, आज बच्चों का साइंस का पेपर है और बच्चों की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो गई है। अच्छा, स्कूल मतलब जो है वो नॉर्मल जो टाइमिंग रहता है वो नहीं है, बच्चे जल्दी स्कूल से आ जाएंगे, 11 बजे स्कूल से छूट जाएंगे, 11:30 तक घर पे आ जाएंगे, तो बच्चों का ब्रेक टाइम स्कूल के अंदर नहीं होगा। तो बच्चों के लिए मतलब मेरे को कोई ऐसा स्पेशल जो लंच ये टिफ़िन वगैरह तो नहीं बनाना है, बट मैंने सोचा कि मतलब 11:30 तक भी है ना बच्चों को भूख तो लगी जाएगी क्योंकि 6:30 बजे जाते हैं ना, तो फिर मैंने बच्चों को थोड़े से टिफ़िन में ना ड्राई स्नैक्स भर रही हूँ। वैसे तो बच्चों ने मेरे को ना ही बोल दिया था कि मम्मी मत भरना, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मेरा मन यूँ होता है ना कि इतना लंबा टाइम है, बच्चों को भूख तो लगी जाएगी और एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ी एनर्जी ना ज़्यादा वेस्ट होती है। तो इसके लिए फिर मैंने एक एप्पल जो है वो भर दी और साथ में थोड़ी सी वेफर्स भरी है। तो कभी कभी तो बच्चों के ऊपर भी मुझे ना दया आने लग जाती है क्योंकि रात को कितना भी जल्दी करती हूँ लेकिन फिर भी 10:30 बजी जाती है और फिर सुबह बच्चों को 5:15 तक उठाना होता है, लेकिन ये ना मजबूरी उठाना भी पड़ता है। न्यू मास्क, दिस इज अ न्यू मास्क। अच्छा से एग्जाम देना दोनों, ठीक है? हर क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है? 2 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है? और पूरा जब पेपर कम्प्लीट हो जाए तो उसको एक बार का रिवाइज, उसको एक बार का क्या करना है, पूरा चेक करना। चलो वो बेग लो तो फास्ट, वेरी फास्ट। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।
बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो अभी बज गई है 7:45 और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। सब लोग नीचे पहुंच गए हैं गाड़ी में और अभी मुझे हो रहा है लेट, तो चलिए एक बार मंदिर जाती हूँ, आके मिलती हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, आज बच्चों का एग्ज़ाम है और बस। और किचन के अंदर हाँ, मैंने दाल जो है वो चढ़ा दी है और आने के बाद मैं एक अच्छी सी रेसिपी जो है वो बनाने वाली हूँ, आपके साथ में शेयर करूँगी। विंटर रेसिपी है, तो जस्ट वेट। अर्ली मॉर्निंग वाले जो काम है वो मेरे हो गए हैं, मतलब कि 5 बजे से 10 बजे तक के जो काम है वो मेरे अब तक हो गए हैं। और अब बारी आती है 10 बजे के बाद वाले काम की, यानी कि लंच बनाने की। तो वैसे तो मैं मंदिर गई थी, तब मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं आपके साथ में एक अच्छी सी विंटर वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैंने एक्चुअली बनाए हैं हमारे राजस्थान के बहुत ही फेमस मक्की के ढोकले। रेसिपी खैर मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, आप भूल भी गए होंगे। और नए नए जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि मक्की के ढोकले कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि आज मंदिर में ही काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 बजे तक हमेशा आ जाते हैं, लेकिन आज आते आते 10:15 हो गई थी। और आने के बाद में फिर जेंट्स आपको लेट हो रहा था, तो जब लेट हो रहा था ना, तो उस टाइम पे फिर घर के काम जो है उनको प्रायोरिटी में पहले देती हूँ। वीडियो वगैरह बनाना ये बाद में होता है, अगर मैं उस टाइम पे वीडियो वगैरह बनाने में लग जाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा और फिर इनकी मुझे अच्छी खासी डांट मिल जाती है। तो उनको फिर शॉप पे जाना था, लेट हो रहा था, तो आज मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई। लेकिन आप प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मक्की के ढोकले बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर। आज बहुत टाइम बाद में मौका ऐसा मिला था कि खाना भी इस तरीके का बना था कि सब मिलकर साथ में खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है उसका मज़ा दुगुना हो जाता है। तो चाहे दाल बाटी बनी हो, दाल ढोकले बने हो, तो खाने का मज़ा जब भी आता है जब तो या तो एक तो नीचे बैठकर खाना खाए और दूसरा पूरी फैमिली एक साथ में खाना खाए। तो इसीलिए आज मैंने खाना जो है वो सब मतलब नीचे ही रख दिया ताकि सब लोग नीचे बैठ के ही खाना खाएंगे और आज सब लोग साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो भी अभी आने ही वाले हैं। खाना शायद हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे तब तक बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि अभी 11:15 बज गई है, 11:15 के शायद 11:20 हो गए थे और 10 मिनट में बच्चे भी आ जाएंगे। तभी मैंने सारा ही खाना जो है वो नीचे रख दिया है, दाल रखी है, ढोकले भी रख दिए हैं, साथ में मैंने पापड़ सेके हैं, थोड़ी सी टोमेटो का सलाद जो है वो भी मैंने कट कर दिया, नींबू भी रख दिया है। तो बाऊजी और ये दोनों तो ऊपर बैठ के ही खा रहे हैं, क्योंकि बाऊजी इतनी देर तुम्हारे स्टडी हो गई, कोर्स हो गया, पाँच मिनट में तुमको दे रही हूँ, उसके बाद में जेवर गेवर 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 तो मैंने बोला सेवर 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 व्हाट सेवर क्या है तेवर तेवर मेवर तेवर तेवर देवर 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 गेवर एक ही वर्ड गेवर मेवर मेवर नाउन मेवर लेवर लेवर प्लस मारो कुटो आई गयो होटे हां कहियो मारो भूत की बेटी फोटो कुटो आई गयो आई जाए।
तो शाम की करीबन 4 बज गई है और चाय का टाइम हो गया है, तो मैं आई हूँ किचन के अंदर। सबसे पहले एकदम गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाऊँगी अपने लिए। अच्छा, इस टाइम पे चाय जो है वो सिर्फ मेरे लिए ही बनती है, क्योंकि मम्मी जी बाबू जी वो दोनों चाय पीते ही नहीं हैं और बच्चे जो है वो भी चाय नहीं पी रहे हैं। तो अभी सिर्फ चाय मेरे लिए बनेगी और मेरे लिए मैं चाय रखूँगी और बाकी सबको मैं अभी इस टाइम पर फ्रूट्स दूँगी। तो कल हुआ क्या था कि जेंसा पाइनएप्पल लेकर आए थे और खैर ठंडी के मौसम में पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो खांसी वगैरह का थोड़ा सा यूँ टेंशन रहता है कि खांसी वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि मैं बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ इस तरह की। कोई भी चीज़ें बच्चों को नहीं खिलाती हूँ कि वो जिससे बच्चे जो है वो मतलब बीमार हो जाए या उनको सर्दी जुकाम हो, लेकिन यही है कि अब जैन साहब लेकर आ गए थे तो फिर उनको खाना ही था। तो अच्छा, नमक के साथ में खाते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिना नमक के खाते हैं तो एक या दो पीस तो हम खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में एकदम जो टंग है ना उसके ऊपर तीखापन सा लगता है, एकदम जलन सी होती है। थोड़ा नमक लगा के खाते हैं तो फिर पाइनएप्पल काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा तो ये फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत ही पसंद है पाइनएप्पल। तो बच्चों को मैंने पाइनएप्पल दे दिया है, लेकिन हाँ बाबूजी पाइनएप्पल नहीं खाएंगे क्योंकि उनको खांसी हो रही है, तो उनके लिए फिर मैंने पपाया जो है वो दिया है मम्मी जी को, तो वो फिर बाहर बैठकर पपाया जो है वो चॉप कर देंगे और मैं जो है वो अपनी चाय एंजॉय करूँगी। तो सभी को अपनी अपनी चीज़ें देने के बाद में अब मैं अपनी चाय लेकर बैठी हूँ। अच्छा, मैं चाय जो है वो पीछे वाले बेडरूम में लेकर आई हूँ क्योंकि आज मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है और मैं बहुत टाइम बाद में आज दिन को 1 घंटा सोई भी हूँ। तो सोने के बाद में मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा सिर, लेकिन अभी भी हल्का हल्का सा दर्द है। और जो हॉल है वहाँ पर बच्चों ने इतनी तेज़ आवाज़ में टीवी चालू करके रखी, उनको मैंने बोला भी बेटा आवाज़ कम कर दो, लेकिन वही है कि बच्चों को टाइम बिल्कुल भी मिलता नहीं। अभी ही उनको 1 घंटे का टाइम जो है वो मैंने दिया है टीवी देखने का, तो मैंने सोचा कि चलिए उनका इन्जॉयमेंट कम नहीं करते, इसलिए मैं पीछे अपनी चाय लेकर आई हूँ। आराम से बैठ के मैंने चाय पी है और अब साथ में कुछ कपड़े जो है वो मैंने सुबह धोए थे मशीन के अंदर तो वो भी सूख गए हैं। अच्छा, आजकल मौसम जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे तो ठंडा रहता है, लेकिन दिन के टाइम पे अच्छी खासी तीखी तीखी सी धूप आती है, तो कपड़े जो है वो 2 से 3 घंटे में भी सूख जाते हैं। और विंटर के टाइम पे है ना, मेरे घर के अंदर ये खासियत है ना कि तीनों ही रूम में इवन किचन में भी धूप जो है वो बिल्कुल अंदर तक आती है, दिन को 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो विंटर के टाइम पर मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है अपने घर के अंदर कि तीखी तीखी सी धूप बिल्कुल अंदर तक आती है और गर्मी के अंदर फिर धूप जो है वो घर के अंदर नहीं आती है। अच्छा, चाय पीकर मैं जैसे ही किचन के अंदर आई तो मैंने देखा मम्मी जी ने जो मिर्ची है उसका अचार डाल दिया था। खैर, मुझे आपके साथ में शेयर करना था, लेकिन फिर अगली बार देखेंगे, फिर करेंगे। एक्चुअली अभी मम्मी जी बाबूजी जब गांव से आए थे ना, तो वो मेरी ननंद के वहाँ से ढेर सारे नींबू लेकर आए थे, क्योंकि उनके घर के पास में काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस एक गार्डन टाइप का बना रखा है, तो वहाँ पर उनके वहाँ पर नींबू का पेड़ है और बहुत सारे नींबू लगे हुए थे, तो बहुत सारे नींबू उन्होंने यहाँ पर भेजे। लेकिन अभी 3 से 4 दिन ही हुए, लेकिन यूँ लग रहा था कि नींबू शायद थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, तो इसके लिए फिर हमने सोचा कि चलिए मिर्ची का अचार बना देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, अगली बार मैं आपको बनाऊँगी तो पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बहुत सारे नींबू, मतलब आप समझ लीजिए 1/2 किलो नींबू जो है उसका जूस निकाल दिया, तो उसके बाद में जो मिर्ची आती है कम तीखी वाली, उसको मॉर्निंग में ही हमने कट करके और धूप में सूखने के लिए रख दी थी। पूरी तरह से नहीं सुखानी, हल्का हल्का सा उसका मॉइस्चर जो है वो उड़ जाए, बस उतनी ही सुखानी है। उसके बाद में मिर्ची के अंदर नींबू का जो जूस है वो ऐड कर दिया, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, बस 4 चीज़ें ही डालते हैं। लेकिन हाँ, नींबू का जूस उतना डालना है कि सारी मिर्चियाँ जो है वो उसके अंदर अच्छे से डूब जानी चाहिए, नहीं तो फिर उसके ऊपर है ना 2-3 दिन बाद में एक फंगस की लेयर सी बन जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद में बस 2 से 3 दिन तक उसको धूप में रखूँगी और मिर्ची का अचार जो है वो नींबू मिर्ची का अचार जो है वो तैयार है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है।
और चलिए नींबू का सॉरी मिर्ची का अचार तो बन गया और अब जल्दी से कर लेते हैं डिनर की तैयारी। तो आज जो मॉर्निंग में मक्की के ढोकले बने थे तो आज दो ढोकले जो है वो पड़े हुए हैं और दाल जो है वो भी पड़ी है। तो मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ। जब सुबह का खाना पड़ा होता है ना तो फिर शाम को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या बनाएं, क्योंकि खाना उतना भी ज़्यादा नहीं था कि सबको हो जाए और इतना कम भी नहीं था कि मैं फिर कुछ स्पेशल डिश वगैरह बनाने जाऊँ। तो वैसे तो आज मुझे शाम को मक्की के आटे के चीले बनाने थे लेकिन वो फिर मैंने कैंसिल किया और अभी मैं बना रही हूँ स्पेशल सी रेसिपी। आपके लिए स्पेशल हो सकती है, मेरे लिए तो खैर है नहीं। मैं बना रही हूँ सूखी हुई भिंडी की सब्जी। तो सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो अभी जब मम्मी जी बाबू जी आए थे ना तब मैंने आपको बताया था कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गांव से लेकर आए हैं और जब जब भी मैं वो रेसिपीज़ बनाऊंगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो उन्हीं में से ही एक ये भी है सूखी हुई भिंडी। एक्चुअली गाँव में होता क्या है कि चीज़ें जो है वो सीज़न वाइज मिलती है, तो फिर वहाँ पर सब लोग क्या करते हैं कि जब सीज़न में चीज़ें मिलती है ना सब्ज़ियाँ, तो उनको कट करके धूप में सुखा देते हैं और फिर ऑफ सीज़न में उन सब्ज़ियों को खाते हैं। खैर आजकल तो ऐसा है नहीं, गाँव हो चाहे कहीं पर भी सारी ही सब्ज़ियाँ 12 ही महीने मिलती है। तो लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा बहुत होता था, कद्दू जो है उसको भी सुखाया जाता था, भिंडी को भी सुखाया जाता था, टिंडोरी को, करेले को, सबको सुखा कर और फिर जब जिस सीज़न में ये सब्ज़ियाँ नहीं मिलती थी ना तो फिर उनको खाते थे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बनाते कैसे हैं। भिंडी जो मैंने ली उसको फिर कढ़ाई में रखा, डाला और उतना पानी डाला कि सारी भिंडी अच्छे से डूब जाए। उसके बाद मैं 10 मिनट तक मैंने उसको बॉईल किया और ज़्यादा बॉईल नहीं करना है नहीं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो जाती है। और बस 10 मिनट भी नहीं, आप 5 से 6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखा था। और उसके बाद में फिर उसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और बस उसको थोड़ा सा मैं फैला दूँगी ताकि वो और ज़्यादा कुक ना हो। और उसके बाद में तो नॉर्मल जो आप भिंडी की सब्ज़ी बनाते हो उसी तरीके की बनानी है। थोड़ा सा मसाला इसके अंदर ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, सब्ज़ी जब मैंने बना दी उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे इसको सरसों के तेल में बनाना चाहिए था, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के अंदर भिंडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और मसाला जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तो ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद में जब सब्ज़ी बन जाएगी ना तो उस लास्ट में थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का जूस डालेंगे। एक नींबू का जूस डाल देते हैं ना तो उससे एक तो इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है और दूसरा इसके अंदर जो चिकनाहट होती है ना भिंडी की वो भी कम हो जाती है। तो बस इस तरीके से सूखी हुई भिंडी की सब्ज़ी जो है वो तैयार है और जल्दी जल्दी से मैं साथ में पराठे बना दूँगी। तो कोई भी सूखी हुई सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो उसके साथ में पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों को पराठे काफ़ी पसंद आते हैं। तो इसके लिए मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, अभी पराठे ही बना लूँगी। तो अभी पराठे मैं सारे नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी सिर्फ मम्मी जी, बाबू जी और मैं, हम तीनों जने ही खाना खाएंगे। दोनों बच्चे एक्चुअली सोने के लिए चले गए हैं। आज दिन को एक्चुअली मैं सोने के लिए चली गई थी तो पीछे से बच्चों ने ना 1 घंटे की बजाय 2 घंटा टीवी देखी थी। और कल रात को हुआ क्या कि बच्चे रात को 11:30 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे। आज बच्चों का साइंस का पेपर था तो उनका रिविज़न जो है वो बाकी था तो काफ़ी लेट हो गया था और अभी दिन को टीवी भी काफ़ी देर देख ली, तो फिर मैंने अभी उनको दोनों को सोने के लिए भेज दिया है। और जैन साहब को भी कॉल किया तो उन्होंने भी कहा कि आने में लेट हो जाएगा, तो फिर अभी मैंने सोचा कि हम तीनों के लिए ही पराठे बना देती हूँ, हम तीनों पहले खाना खा लेंगे उसके बाद में बाकी बची हुई रोटी बनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना।